करनाल के घरोंडा में शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा 18वें सामूहिक विवाह महोत्सव के अवसर पर 12 दिवसीय सांग समारोह में लोगों को सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वीरेंद्र राठौर ने कहा कि सांग हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इसके माध्यम से कलाकार देश के गौरवशाली इतिहास से हमें जगाते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव जगाने का काम करता है। यह 12 दिवसीय सांग महोत्सव शिव शक्ति सेवा मंडल और हरियाणा कला परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सांग में आज बताया गया कि अजीत राजा का लड़का था और कुछ दिन बाद दूसरे राजा ने उसके राज्य पर कब्जा कर उसे बाहर कर दिया। बचपन में रसलपुर के राजा प्रताप की लड़की से उसकी सगाई हो गई थी। लड़का अजीत लाला के यहाँ नौकरी करने लगता है तो सेठ ताना मारता है कि ऐसा है तो रानी से शादी करके दिखा। तो अजीत अपने ससुर के पास जाता है तो वह कहते हैं कि 20,000 हैं तो ले आ, मैं अपनी लड़की की तेरे साथ विदाई कर दूंगा, नहीं तो हमेशा के लिए भूल जाना। फिर अजीत और राजबाला दोनों नौकरी करते हैं और दूसरे राज्य का राजा अपना सारा राजपाट उन्हें दे देता है और वह दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले एक महीने से लगातार जो आवाज़ उठाने की का काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आज आम आदमी ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और निरंतर जिस प्रकार से अमित शाह जी के और इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान शाहीन बाग के धरने को लेकर के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक ध्रुवीकरण की राजनीति और उनकी मानसिकता को दर्शाने का काम करता है। मैं समझता हूँ कि आज देश के अंदर घोर संकट है, संवैधानिक संकट है और इस संकट से लड़ने की आज आवश्यकता है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसके बुरे परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखिए। बहुत सारी चीज़ें मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार संवेदनहीन है और सरकार गहराई से चीज़ों की जांच नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान उठने का काम होता है। और क्योंकि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट और हेफेड डिपार्टमेंट हमारे इलाके से संबंधित रहा है, हमने पिछले चुनाव के अंदर भी कहा कि सख्ती से इन तमाम मामलों की जाँच होनी चाहिए, परंतु सरकार चूँकि साधे हुए हैं जिसका नुकसान पूरे इलाके को और प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। जिस विचारधारा के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता ने जननायक जनता पार्टी को वोट की थी, उस विचारधारा के अनुरूप सरकार के अंदर गठबंधन नहीं हो पाया है और जिसका नतीजा है कि आज पूरे विधायकों के अंदर एक रोष व्याप्त है। बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में भी हैं और मुझे लगता है कि ये बेमेल का गठजोड़ जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। दिल्ली के सकते हैं हरियाणवी सांग का, हरियाणा की संस्कृति। देखिए, हरियाणा की संस्कृति हमेशा से एक बहुत मजबूत संस्कृति के रूप में पूरे देश में इसकी, हमारी संस्कृति की अमिट छाप है। और ख़ास तौर पर मैं अपने इस इलाके की बात करूँ तो प्रतिवर्ष जिस प्रकार से हम लोग इस सांग का आयोजन करके इस पावन कार्य के लिए हम जितनी भी धनराशि एकत्रित होती है उस धनराशि का उपयोग हम लोग अपनी गरीब बहनों के विवाह के अंदर करते हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा दान और पुण्य का काम है और इसके अंदर पूरा इलाका बढ़ चढ़ कर के सहयोग हमेशा करता है। तो हमारे इलाके के तमाम इलाकावासी भी बधाई के पात्र हैं और मेरी हमेशा आशा और कामना है इसी प्रकार से सामाजिक कार्य जो है हमारे क्षेत्र के अंदर चलते रहे और हम सब मिलकर के समाज की सेवा करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।